ये हमारा दूसरा साइड है जो समुंदर के पास में है, काफ़ी अच्छा है इसका लुक है। और देखिए ये मंदिर बहुत अर्जेंट में हम लोग इसको ले आए और लगा रहे हैं बना के, क्योंकि इनकी कल पूजा है तो बहुत रिक्वेस्ट किए क्लाइंट, तो कल भर साइड बंद रहेगा, पूजा होगा घर का, गृह प्रवेश होगा, उसके बाद फिर काम चालू होगा, काम रोक दिया गया है। तो इनका पूजा होने के बाद काम चालू होगा, तब तक काम रुका रहेगा एक दिन। और देखिए मंदिर को फिट किया जा रहा है बहुत जल्दी, बहुत अर्जेंट है इसको फिट किया जाए। देखिए इसके अंदर ओम है और ओम के अंदर लाइटें लगाई गई हैं, देखिए कितना खूबसूरत लाइट सिस्टम है इसका, और मंदिर भी अच्छा लुक है इसका, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मंदिर में हम लोग ओम दे दिए, ड्रॉअर दे दिए हैं, सेल्फ दे दिए हैं, एक काफ़ी अच्छा चीज़ है। आप सीलिंग में एलईडी लाइटें देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, आपको स्पॉट लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको काफ़ी बिजली की बचत होगी, काफ़ी कम खर्चे होंगे। मंदिर तो बहुत अच्छा है, एक कारपेट नीचे बिछाया गया है बैठने के लिए, तब तक सफाई करके, और अपना कारपेंटर काम कर रहा है, ड्रॉअर और फिक्स कर रहा है, जो भी काम है अपना वो कंप्लीट करेगा, लगे हुए हैं कारपेंटर। बाहर का व्यू अभी हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए कितना अच्छा है ओम का डिज़ाइन, देखिए कितना अच्छा हम लोग कटिंग किए, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है इसमें, मशीने से कटिंग होती है पूरी डिज़ाइन है। और वाइट कलर का ये मंदिर है और लाइट होम वाइट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप लोग देखिए सीलिंग में ऐसा है, एलईडी लाइट आप ज़रूर लगवाएं, काफ़ी अच्छा लुक होता है, एक सीलिंग का अलग ही लुक हो जाता है, काफ़ी अच्छा इंटरनल डिज़ाइन हो जाता है, जो लाइटिंग सिस्टम है काफ़ी स्मार्ट हो जाता है, आपका पूरा होम ऑटोमेशन का हम काम करते हैं, आपकी पूरी घर आप मोबाइल से अपने चलाइए, ऑपरेट कीजिए, लाइट ऑन ऑफ कीजिए, काफ़ी आपका बिजली बचत होगा, बिजली आपका जीरो। आप इतना महंगा बिजली क्यों भरेंगे, फालतू बिजली क्यों वेस्ट करेंगे, आप अपने मोबाइल से अपनी लाइटों को चलाइए, जब जितना ज़रूरत है उतना चलाइए, बाकी टाइम ऑफ। सबसे अच्छा फ्यूचर, आप पूरी दुनिया में कहीं भी रहें, आप घर रहें, आप रिश्तेदार में गए हैं, आप अपने दोस्त के पास हो, आप अपने ऑफिस में हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको याद आया लाइट जल रहा है, आप चेक कर सकते हैं मोबाइल में लाइट जल रहा है, आप ऑफ कर सकते हैं, या तो लाइट जलाना है आप ऑन कर सकते हैं, या तो आप आ रहे हैं तुरंत आते हैं रूम में गर्मी में, तो एसी चालू करने के बाद 10 मिनट लग जाता है रूम को ठंडा होने में, आप ऑफिस से निकलने के टाइम, रूम पहुंचने के टाइम आधा घंटा पहले घर पहुंचने से आप एसी ऑन कर दीजिए गाड़ी में बैठे, आपका रूम जब तक पहुंचेंगे तब तक ठंडा मिलेगा। तो बहुत सारा फैसिलिटी है, बहुत सारा नया नया फ्यूचर है। तो आप लोग अगर ऐसा अपने घरों को स्मार्ट बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे हम लोग काम करते हैं, हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी काम करती है, पूरा आपको सेटिस्फाई करेगी। गीजर में कितनी बिजली वेस्ट होती है, देखिए बाहर का व्यू है, समुंदर है, देखिए पास में समुंदर है, बहुत अच्छा है, ये फ्लैट है, काफ़ी अच्छा है इसका बाहर का नज़ारा है, आप देखेंगे तो क्या, सर ने काफ़ी अच्छा फ्लैट लिया है, ये जो क्लाइंट है काफ़ी महंगा फ्लैट है, यहाँ पे देखिए पूरा समुंदर है, काफ़ी अच्छा लगता है, समुंदर को जैसे अंधेरा है बाहर उतना आ नहीं रहा है कैमरा में, बाकी अंदर के पूरे काम चल रहे हैं, देखिए कैसे, देखिए बाहर का, ये बाहर का दृश्य देखिए आप, व्यू कितना अच्छा व्यू है, ये पूरा समुंदर है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ये 3 BHK का फ्लैट है, ये इंटरनल डिज़ाइन का काम किया जा रहा है, फिट आउट का बहुत सारा चेंजिंग करना है, इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा है डिजाइन है। ये नीचे देखिए कितना, हम अभी हम लोग 24 फ्लोर पर हम लोग का काम मिला हुआ है, 24 फ्लोर पर काम चल रहा है अपना, पर बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, आप लोग देखिए पूरा आनंद लीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
आपको जो भी हेल्प चाहिए आप कमेंट कीजिए, आप लोग का इंटरनेशनल ब्लॉग पूरा सपोर्ट करेगा, पूरा हेल्प करेगा। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, आपका होम ऑटोमेशन का, आप अपने घर की काफ़ी सारा बिजली बचत हो जाएगी आपकी, काफ़ी सेफ्टी काफ़ी सिक्योर है उसमें। आपका गीजर में पानी वेस्ट जाता है ठंडी के दिन में, कोई भी ऑन करके छोड़ देता है ऐसे पड़ा रहता है, बिजली तो लगती है ना उसकी। ऐसा रहेगा तो आपका एक टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं, आप लोग जब पूरी फैमिली आपकी उठती है उसके हिसाब से टाइम सेट कर देंगे, 10 मिनट पहले गीजर ऑन होगा और फिर 10 मिनट बाद ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटली। तो इसके लिए होम ऑटोमेशन का आप ज़रूर काम कराएं, आपका घर काफ़ी स्मार्ट हो जाता है, आप अपने घर को मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए डोर को पूरा चेंज करना है, डोर को भी, तो इसके लिए हम लोगों ने डोर खोल दिया पूरा, और दूसरा डोर डिज़ाइन चेंज है डोर का, दूसरा डोर बनेगा पूरा। बाकी काम अभी चल रहे हैं, पेंट का पुट्टी उट्टी हो रहा है, ये अपना डीबी है। हम आप लोग को एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। बाथरूम है, बाथरूम में भी WC पुराना वाला ही रहेगा, टाइल चेंज किया गया है बस। ये बाहर का फ्लैट का बाहर का लुक है, कॉरिडोर का लिफ्ट लो भी है, काफ़ी अच्छा लुक है।